सरिता आंटी, हाँ मैं शिवम चाली बोल रहा हूँ। अरे आपका लड़का कितना बिगड़ गया है, क्या हुआ? अरे पूछो क्या नहीं हुआ, आपके बेटे ने कांड कर दिया। लो जी आपको कुछ सुनाई दे रहा है? अरे गांड नहीं, कांड कर दिया कांड। तुम्हारा लड़का ना हमारे पापा के कान के पास पड़ाका दगा दिया। अरे उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे भाई मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, छत पर से पड़ाका जला के नीचे फेंक दिया, कान के पहुंचते मान उनको दग गया। बेटा देख लो इनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अरे हम मिठाई नहीं खाएंगे। अरे वो दूसरी बार गलती कर चुका है, पहली बार तो मैं आ रहा था गली में क्रिकेट खेल रहा था, वो तो गेंद ही चिमार दिया मेरे सामान पे लग गया, पूरा सामान फूट गया, दिक्कत होने लगी मुझे। अरे उसे समझाइए सही से रहे, बहुत बदमाशी करता है, अगर उसे पकड़ के अपने जंगल में डाल दिए ना तो निकल नहीं पाएगा, समझ लेना। हाँ उसे भटकता रह जाएगा, फिर मत कहना क्या हुआ। और तो मेरे पापा का इलाज कैसा होगा, कैसे होगा बताइए आप। हेलो 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 कार्ड बेटा, ये तो सटिया गए। पनीर बना लो, पनीर खाएंगे, पनीर खाएंगे। बेटा इस बार तो दीपावली में बहुत शांति थी, ना तो पटाखे की आवाज आई, ना तो लोगों की बोलने की आवाज आई, बड़ी शांति थी इस बार दिवाली पर। तो इस बार कम से कम पॉल्यूशन तो नहीं होगा। अरे आपको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, कल शोर था। क्या शोर है था? अरे कुछ तो नहीं है। क्या आप मेरे होंठ पढ़ रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए होंठ ही पढ़ ले रहा हूँ। फिट मैन क्या मुझे टट्टी आदमी बोला तूने? देख रही हो ये मुझे टट्टी आदमी बोल रहा है। मम्मी चंदन भैया किधर है? बेटा वो कल रात से ही गए भाई, अभी वापस घर आया ही नहीं, पता करो कहाँ गया। रुक जाओ मैं फोन लगा के देखता हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। लो तुम्हारे दोस्त अल्लू और रिशु आ गए। थोड़ा ग्रीन टी मिल जाएगा क्या? और कैसा है रेंदे लिल्ली? बढ़िया। और तो कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया। रात को बहुत मजा है ना बाहर में? बहुत मजा है। रेंदे लिल्ली क्या नाच रही थी, रेंदे लिल्ली चुमा लिया तूने? ओ रेंदे लिल्ली बहुत चला गए, मुझे भी नहीं बताया। रेंदे लिल्ली बताया होता मैं भी चुमा लेता। चुप कर जा पापा है इसके। अरे उनको कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, बोलो। लेकिन होठ पढ़ ले रहे हैं। बेटा मैं होठ पढ़ सकता हूँ, कि तोतला हा हा करके बोलता है, मैं इसका कैसे पढ़ पाऊँ? अंकल ओ अंकल इनको गंडक कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है, बहरे हो गए। मौसी की शादी में आया क्या बे? ओ बहन दे लुल्ली कल कितना आ रहा था जुए में? 2000 रुपए। हाँ पापा को पता भी नहीं चलना चाहिए कल मैं जुए में 2000 हो गए, तो पैसा भी नहीं मिलेगा जेब खर्ची के लिए, पार्टी मत मांगना। पापा पॉकेट मनी दे दो। पॉकेट मनी? कल ही तो 2000 रुपये दिया था पॉकेट मनी, क्या कर डाला? जुए में हार गया। चंदन भैयों को धोखा देना मतलब अपने नीचे वाले छोटे भैयों को खोना होता है। अरे उसे समझा दियो कि चंदन भैया अगर आ गए ना तुम्हारी गांव पे गोली मार देंगे सीधा। अरे उसे बता दियो कि अपना पैसा वसूल पूरा पैसा वापस कर दे, नहीं तो उसके गांव पे गोली मारेंगे आ जाएंगे चंदन भैया। तो हाँ बता दियो उसे, अभी आ गए हम थोड़े बाहर आ गए, नहीं तो हम आते उनके गांव पे गोली मार देते, उनको समझा देना। बताए हमारे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा? अरे प्यार में तो धोखा खाना नाजायज है, प्यार का दूसरा नाम ही होता है धोखा। प्यार में कटता है सबका, प्यार में आंखें भी नम होती हैं। कर जवाब भोंसड़ियों के ना, हम तुम्हारी गोटी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? गोटी निकाल दो। ओह नो। अरे तुम्हें मिला प्यार में धोखा तो क्या सबको मिलेगा क्या? प्यार में धोखा तुम्हारा कटा है ना, सबको थोड़ी कटेगा। पापा अरे पापा नहीं कुछ नहीं, वो थोड़ा ना भाई लौंडा लौंडा परेशान कर रहा था, उसी को डरा रहे थे गोली वोली के बाद, नहीं वो बस थोड़ा डरा रहे, बहुत परेशान कर रहा था, बार बार फोन कर रहा था साला फोन हमारा फोन पर, इसलिए उसको डराते रहे। तुमको बताना चाहिए था ना पापा है। चंदन भैया अरे इनको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है, ये बहरे हो गए हैं। कैसे हुआ? अरे एक पागल लड़के ने इनके कान के पास पड़ाका छुड़ा दिया ना, पूरा हम बात तो नहीं सुनाई पड़ रहा इनको, ये होंठ पढ़ ले रहे हैं पूरा। कल बेटा तू आधी बात बताया था म्यूचुअल फंड की, और तीन बातों को कभी छोटा मत समझना, म्यूचुअल फंड सर्दी की ठंड सोया हुआ लंड। क्या सोया?
अरे पापा सोया चाप खाने वाला। खाने वाला सोया चाप? अच्छा अच्छा। वो चंदन भैया किस धोखे की बात कर रहे थे आप? वसूली जिसने यहाँ लेने गया था तो उसने तीन पट्टी खा लिया, चैलेंज कर दिया हमको कि हरा दो पैसा ले जाओ। अरे तो हमको पैसा तो लेके जाएंगे ही, इसको साले के साथ हरा तो दे। हराने बैठे थे हमको पत्ता फेंक दो, साले ने पत्ता जब फेंका तो हमको क्या पता था हमारी किस्मत और बेंच कुकुर के मुंह देखने से आज बेकार हो जाएगी। सुबह सुबह साला हम कुकुर के मुंह देख लिए ना, साला पूरा जेब को पैसा साला डूब गया, पूरा हार गए। तो आखिरी चांस दिया गया कि इस बार तो खेल लो ना, तो जीत जाओगे तुम्हें पूरा पैसा वापस कर देंगे। फिर क्या हुआ? हम तो लालच वेंच, लालच तो बुरी बला है, तो हम भी हम सोचे कि हम तो जीत जाएंगे ही। साला हम लगा दिए गाड़ी पे दम, तो गाड़ी भी हार गए यार। बाइक हार गए? बाइक बेच डाली तूने? अरे यार पापा को पता चलेगा तो क्या कहेंगे, मेरे तो गांव छटाई कर देंगे। बेटा शावर गर्ल आ जाएगा, हमसे धोखा किया है, हमसे धोखा किया है, हम उसको समझ गए हैं। उनको हम बताएंगे अभी जाके उनके गांड पे गोली मारी। यार हम पापा को बता नहीं सकते, अरे तुम ही बता दो। हम कैसे बताएं, अभी हमको तो बेल्टे बेल्टे मारेंगे। इनके होंठ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही। ये रुचि भी है कौन है बे जो पड़ाका छुड़ा रहा है? चले जाओ वरना गांव में गोली मार देंगे। साले दीपावली चली गई तब पर भी पड़ाका छुड़ा रहे हो। आप सुनाई पड़ रहा है? अरे तुमको सुनाई नहीं पड़ा है, आपकी बाइक हार गए ये जुए में। किसकी बाइक हार गई जुए में? अरे आपकी बाइक हार गई ये जुए में। क्या मेरी बाइक जुए में हार गई? सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। पापा कान ठीक हो गए भाई, देख पापा कान। क्या बेटा सुनाई देने लगा? अच्छी सुन रहे हो? सुनाई दे रहा है। किसने हारा जो बाइक जुए में? अरे हम मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहा था? अच्छा मैं तो सीरियस ले लिया था। हम देख के पापा कैसे रिएक्ट करते हैं। अरे फोड़ा फफुआ गया झूठ था। क्या भैया अब भी मजाक करते रहे? बचपन की तेरा अभी है, तू सुधरा नहीं ना जी? हाँ बहुत बचपन में बहुत सारा।